This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World. Nava Karnataka Kagi Parivartani Yatre. Nava Karnataka Yane Naya Karnataka Ke Liye. For a change in Karnataka, Karnataka Mein Badlav Lane Ke Liye Ye Yatra Hai. North Karnataka, khas karke Hyderabad Karnataka, underdeveloped hai aur isme isko development ke liye hamari sarkar mein humne jo kiya hai main samajhta hu koi sarkar nahi kiya Yediyurappa ke matlab insistence ke baad wo sarkar mein 2007-8 jo samishra sarkar tha Nanjunappa report implementation committee ka कमिटी मतलब वह स्टार्टेड जिसका मैं पहला चेयरमैन था आई शुड अप्रिशिएट मन श्री येडियुरप्पा जी ही हैज़ विजिटेड मोर देन 30 टाइम्स व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हमारे सिद्धरमैया साहब को क्या हुआ 5-6 बार नहीं आए हज के लिए जो पैसा दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये पैसा उन्होंने डबल किया है ने बुलाएंगे और मेरा रिक्वेस्ट है उर्स वगैरह आ रहा है सीएम साहब आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत काम है डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह आगे है ना सीधा बोल दिया ये अप्रोच रोड टू दरगाह एंड सम अदर रोड्स ये नहीं है साहब लेट मी टेल यू एक सेकेंड सोचे नहीं येडियुरप्पा सीधा है ना सेंक्शन करके है ना वो काम पहले शुरू करो बोल के दिया बुद्ध मंदिर इनाग्रेशन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाले थे तो वैसे वो अवसर पर खरगे साहब येडियुरप्पा को बोले अरे भाई ये यहाँ का ये अप्रोच रोड टू दिस ये सब होना इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया ही हैज नेवर गिवन अ सेकेंड थॉट यूपीए गवर्नमेंट में स्पेक्ट्रम ऑक्शन करते तो 9,407 करोड़ रुपए जमा होता है और बीजेपी के गवर्नमेंट में 1,08,000 करोड़ जमा होता है 1,08,000 इवन कोल ऑक्शंस में 2,00,000 करोड़ अमाउंट ज़्यादा रेवेन्यू ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बकस में कोफर्स में आते हैं जबकि इसमें तो इट वाज अ बिग स्कैंडल पब्लिक का पैसा कैसा लूटना चाहिए वो कांग्रेस को पूछो हर तरीके उनके पास है जो बदलाव जो लोग अच्छा बदलाव जस्ट बदलाव बोल के नॉट जस्ट अ चेंज फॉर बेटरमेंट चेंज फॉर द डेवलपमेंट इसके लिए हमारा ये यात्रा है दिस इज द एजेंडा ऑफ द यात्रा सर ये जैसे कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बीजेपी इन दिस रीजन नॉर्थ रीजन देखिए और जब भी आए कोई राहुल गांधी आ रहा है या सोनिया गांधी आ रहा है या ऐसे कोई अर्जेंट कुछ जिसे आए बाकी कभी आए नहीं येडियुरप्पा है ना येडियुरप्पा जब सीएम थे 3 बार कैबिनेट मीटिंग इधर हुआ हमारे सरकार में 4 बार कैबिनेट मीटिंग हुआ आप एक बार भी नहीं करे क्यों सबसे पहले तो हज भवन के लिए हमने जो खर्चा किया कोई कांग्रेस सरकार खर्च नहीं किया बेंगलुरु में हज भवन हमने बनाया ये एक बात है इसके अलावा भी यू कैन वेरीफाई दिस डबल और मैं आपको एक मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ पहली बार जब येडियुरप्पा जी आफ्टर बिकमिंग सीएम व्हेन ही केम हियर मैं प्रोग्राम देखा देखने के बाद प्रोग्राम में शरण बसवेश्वर टेम्पल का विजिट था तो मैं बोला नहीं हमारे पास जो भी बड़े डिग्निटरी आते हैं इवन एट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो दे हैव विजिटेड बोथ शरण बसवेश्वर टेम्पल एंड ख्वाजा बंदेनवास तो मैं इंसिस्ट किया साहब आप उधर भी विजिट करना चाहिए ऐसा क्या जाना है हाँ साहब वो ख़त्म करे वहाँ भी आए फाइनली अवर क्वेश्चन इज लाइक जैसे कि यहाँ पर रीजन में कास्टिज्म पे वोट होते हैं सर कास्टिज्म डू यू थिंक बीजेपी हैज कम ओवर कि लाइक कास्टिज्म वोट्स अब नहीं चुनेंगी क्योंकि लोग माइनॉरिटी के भी अवेयर हो रहे हैं रिसेंटली जैसे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट भी अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं डू यू थिंक पीपल आर गेटिंग अवेयर लाइक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है yes, ये मेंटेलिटी खत्म हो गई देखिए वो दिन दूर नहीं है जबकि लोग कास्ट पॉलिटिक्स छोड़ के है ना डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे
जो पार्टी काम करता है, जो पार्टी गरीबों की भलाई चाहता है, जो पार्टी डेवलपमेंट कर सकता है, उन्हीं को वोट मिलेगा। और मैं समझता हूँ हर आदमी को डेवलपमेंट चाहिए, किसको नहीं चाहिए बोलो। वी आर नॉट अ वेरी यूके या यूएसए के जैसा बहुत डेवलप्ड नेशन तो नहीं है हमारा। अभी बेसिक एम्यूनिटीज भी हर जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है गुलबर्ग जैसे शहर में भी हर जगह। कभी कितने सालों से देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ साहब हमको पानी नहीं है, पानी दे दो। मतलब ऐसे कामों में भी अभी फॉर एग्जांपल 24x7 पीने का पानी के लिए बोल के ये करे, बड़ा ये करे, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, फर्स्ट फेज ख़त्म हुआ, 11 वार्ड को देते हैं, वहाँ 11 वार्ड में भी अच्छा प्रेशर नहीं है। तो मेरा कहना है वी आर अनेबल टू अचीव द बेसिक नीड्स, भी हम फुलफिल नहीं कर सके। ये कहाँ कहाँ ये है और कितने साल। सो इट इज़ हाई टाइम। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, यूपी इलेक्शंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। गुंडागिरी चलता था, कास्ट पॉलिटिक्स चलता था, इवन आई थिंक बीजेपी नेवर ड्रीम्ड दैट यस वी विल कम टू पावर। इतना हम जानते थे हम जीतेंगे, 203 सीट तो हम लेंगे, मतलब सिंपल मेजॉरिटी तो हम करेंगे बोल के हमारा ये था। हमारे जो इन्वॉल्व होके जो जानते थे वहाँ, अरे भाई हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे बोल के बोलते थे, लेकिन क्या हुआ 325 सीट क्यों जीते। सर आई कैन मैं दावे से कहता हूँ 10-15% और इवन मोर ऑफ द मुस्लिम्स हैव वोटेड बीजेपी। क्यों? तंग आ गया वो लोगों को, कांग्रेस हो या मुलायम हो, एसपी हो, बीएसपी हो। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World,